भरद्वाज जी जो राम भक्ति में निष्णात हैं, याज्ञवल्क जी से पांव पकड़कर उनके पांव पखारे आदर पूर्वक निवेदन निहोर करते हैं, हे प्रभु मुझे कुछ आपसे प्रश्न करना है, परंतु प्रश्न करने में थोड़ा संकोच हो रहा है। फिर आगे ये भी सोचता हूं, श्रेष्ठ के साथ संकोच करे तो हित नहीं होगा। संकोच कभी नहीं रखना चाहिए किसी को भी, किसी के प्रति भी। जिसको संकोच होगा वो सोच में चला जाएगा। संकोच नेत्रों में होना चाहिए, आदर निरादर का होना चाहिए, संबंधों के निर्वाह का होना चाहिए। करे न करे इस भाव में क्या करना उचित है और क्या अनुचित न जान पड़े, उसका संकोच हो तो उसका श्रेष्ठ से समाधान लेना चाहिए। संकोच को अवधि में बीच कहते हैं। प्रभु ने कीन ही प्रीत कछु बीच, संकोच नहीं। इसको सिद्ध करने के लक्ष्मण राम चरित सब भगवान संकोच नहीं करते हैं, न संकोच में रखते। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु राम जी की अप्रतिम महिमा है, अथाह अगाध, संत वेद पुराण उपनिषद आदि ने प्रभु की महिमा का नाना विधि गुणगान किया। शिव भगवान मां भगवती के संग में बड़े आदर से प्रभु के इस नाम का प्रेम सहित जप करते हैं। वेदों में पुराणों में भगवान की गाथा नाना विधि लिखी है, संतों से सुना है। बड़ा ही आग्रह करने पर संत ऋषि मुनिगण राम तत्व का उपदेश करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछौं तोहि, कहिय बुझाइ कृपा निधि। ये राम जी कौन है, कृपा पूर्वक मुझे बुझा मने समझा कर कहिए। वैसे तो एक राम जी को मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार तीन कर चली नारी बिरह दुख लहे अपारा भयव रोष रन रावण। एक राम जी को मैं जानता हूं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हुए। उनका चरित्र कौन नहीं जानता है, जगत में विस्तृत है। उनकी अर्धांगिनी को असुरों के राजा ने हरण कर लिया। मारे विरह में इतना आवेश में आ गए कि असुरों को राजा को मार दिया।
भयोरोष प्रभु सोई राम की अपर को जाय हि जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। प्रभु वही राम जी है या कोई और है? और कोई और है तो कौन है वो? बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। कहो विवेक कहो विचार करके आप बताइए, मैं जिनको जानता हूं वही राम है अथवा कोई और है? महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, थोड़े में बताऊं कि विस्तार से बताऊं? एक श्लोक है, कहां से आया है भगवान जाने, लेकिन है। आदौ राम तपोवनादि गमनम् हत्वा मृगम कांचनम् वैदेही हरणम् जटायु मरणम् सुग्रीवसम् बालनिर्दलनम् समुद्र तरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चात् कुंभकर्ण रावण हननम्। तारकेश्वर जी, ये अंतिम पंक्ति गलत है, कहिएगा तिवारी जी से। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम्, ये लिखा है किताब में, उल्टा हो गया ना। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् राम। कुंभकर्ण के बाद रावण का अंत किया गया, बीच में मेघनाद किया। इतने रामायण बाबा ने इतना लिखा। तो एक श्लोक में कथा, याज्ञवल्क जी महाराज कर्मकांडी हैं, प्रणेता हैं, संस्कृत के महापुरुष विद्वान हैं, मां मैत्रेयी जिनकी अर्धांगिनी है, परम विदुषी हैं।